कोई कोई विदेशी शक्ति इसके पीछे है, तो निश्चित ही देश को जो वैभव बढ़ रहा है, जो शक्ति बढ़ रही है, उसको कहीं कहीं कुंदित करने का एक षड्यंत्र है। तो हम सब लोग याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं उनका। आज उनकी जयंती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। उस समय दिया था, आज वो साकार हो गया। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, क्या परिस्थिति होगी जब हिंदुस्तान में ही एक राज्य का अलग संविधान हो, एक राज्य का अलग विधान हो, एक राज्य में तिरंगे से ऊपर वहां का झंडा लगता हो, वहां का प्रधानमंत्री वजीर आजम अलग हो, वहां राइट टू एजुकेशन नहीं हो, वहां राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं हो, वहां हमारे भाइयों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो, वहां बाल विवाह कानून नहीं हो, और जिस प्रदेश में जाने के लिए परमिट लेना पड़े, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा ये देश में संभव नहीं। कहते कि कश्मीर से धारा 370 हटाना तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में सोचा तो भी जलजला मच जाएगा, खून की नदियां मर जाएगी। उनको नहीं पता कि दिल्ली की कुर्सी पर 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है। आप कल्पना करिए कि किस हिसाब से देश की रियासतों का विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे, तो आखिर क्यों कश्मीर में ही इंटरफेयर किया गया नेहरू जी द्वारा, आखिर क्यों भारत से कश्मीर को अलग करने का षड्यंत्र रचा गया, आखिर क्यों वहां का ध्वज अलग था, वहां का संविधान अलग था। और हमें खुशी है कि आज इनकी जयंती है, उन्होंने उस सरकार में उद्योग मंत्री होते हुए पद को ठुकरा दिया। नेहरू लिया का समझौता आप उसकी पालना नहीं कर रहे हो, आप तुष्टिकरण की ओर बढ़ रहे हो, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। मैं कैसे व्यक्ति थे जिन्होंने, अगर वो नहीं होते तो शायद बंगाल दिया हिंदुस्तान के साथ नहीं होता।